नववर्ष के अवसर पर राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह पर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए, साथ ही ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा भी उपस्थित रहे। उन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर राज्य के मुखिया का जोशीला स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नववर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर रायपुर प्रेस क्लब के नववर्ष मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत रायपुर के पत्रकारों से हाथ मिलाकर नववर्ष की बधाई देते हुए चर्चा की। समारोह में प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू अम्बेडारी, ग्रैंड ग्रुप चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस बीच हंसी मजाक का दौर भी चलता रहा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों और उनके परिजनों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर और जान देकर लोगों तक समाचार पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारिता में आ रही दिक्कतों को भी मंच के माध्यम से साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की पत्रकारिता भरमार बंदूक की तरह थी, लेकिन आजकल पत्रकारिता का दौर बदल गया है। सोशल मीडिया में आधी अधूरी खबरें दिखाई जाती है, खबरों को भी बीच बीच में काट कर दिखाया जाता है। इसे किसी की भी छवि को खराब कर दिया जाता है। जिसके खिलाफ इस तरह की खबरें चलाई जाती है, उनका करियर ही धराशायी हो जाता है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सबको नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि प्रेस क्लब के नव वर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। वे सभी पत्रकारों की ओर से उनका आभार जताते हैं। नया साल है 2022 का, 2023 का आगमन, कल विदाई और आगमन दोनों का जश्न आप लोग घर पर मनाए। थकान भी है, इनके चेहरे दिखाई दे रहा है, नहीं क्या ताकत आप देख रहे हैं, सुन रहे मत मत पत्रकारों के साथ नए वर्ष की शुरुआत आज। वैसे पहले मजदूर साथियों के साथ रहा, गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की, और उसके बाद पुलिस के जो जवान हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे प्रदेश में भी नक्सल प्रभावित प्रदेश है तो वहाँ भी सशस्त्र बल तैनात है, उसके सबके साथ आज नववर्ष लोग मनाए। उसके बाद नववर्ष का कार्यक्रम आज प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने केबल ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर लोगों को, अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल पुसतकर ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के बीच नववर्ष मनाया, वे सभी प्रदेशवासियों को बधाई देती है। नहीं, अच्छा है कार्यक्रम, हर साल होता है और मुख्यमंत्री आते हैं, राजधानी है इसलिए सहजता से उपलब्ध है तो आ जाते हैं, और पत्रकारों के साथ जो है उनका वैसे भी बहुत जीवन संपर्क है और अच्छी बात है, होते रहना चाहिए, लोग मिलते रहते हैं इसी बहाने, कम से कम पत्रकार आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, वरना इस भागदौड़ की दुनिया में किसी पास फुर्सत ही नहीं।